सबको वेट कम करना है लेकिन खाना भी कम नहीं करना। आइए बात करते हैं इस वीडियो में 9 ऐसे फूड्स के बारे में जो लेने के बाद भी वेट लॉस तो होगा ही, साथ में फैट भी नहीं बढ़ता है। एक नंबर में है एवोकाडोस। इसमें हेल्दी फैट्स और फाइबर मिलता है। ये सेवन करने के बाद पेट एकदम भरा भरा सा लगता है। दो नंबर में एग्स। एग्स आर ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें प्रोटीन के साथ लो कैलोरी और पैक्ड न्यूट्रिएंट्स होता है विच कैन हेल्प यू फील फुल लॉन्गर। तीन नंबर सालमोन। यह एक फिश है जो कि एक्सेलेंट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये हेल्प करता है रिड्यूस करने में इन्फ्लामेशन और प्रमोट करता है वेट लॉस में। इसमें भी हाई प्रोटीन और लो कैलोरी होता है। चार नंबर में ग्रीक योगर्ट। योगर्ट में हाई प्रोटीन और प्रोबायोटिक होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में और प्रमोट करता है वेट लॉस। इसमें लो शुगर लो कैलोरी होता है। पाँच नंबर में ब्रोकाउली। इतना भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल होता है, एकदम न्यूट्रिएंट्स से पैक होता है। इसमें विटामिन सी फाइबर मिलता है। इसमें भी लो कैलोरी होता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। छः नंबर में एप्पल्स। एप्पल्स आर हाई इन फाइबर एंड लो इन कैलोरीज। ये भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का। रोज़ एक सेब खाने से बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपको शुगर है हाइपरटेंशन है तो डेली ले सकते हैं एक। सात नंबर में पम्पकिन सीड्स। इसमें भी फाइबर और प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होता है, लो कैलोरीज और पैक्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट होता है। वेट लॉस और फैट बर्न के लिए बहुत ही अच्छा है सोर्स है। आठ नंबर में स्वीट पोटैटोस। स्वीट पोटैटो में ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसमें भी कैलोरी लो होता है। इट कैन हेल्प यू फील फुल एंड सेटिस्फाइड। नाइन नंबर में कॉर्न। कॉर्न मतलब मकई, ये होल ग्रेन है जिसमें हाई फाइबर एंटीऑक्सीडेंट होता है, कैलोरी लो होता है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है।